नमस्कार बड़ खबर सह अर्गस बिग ब्रेकिंग को आपको स्वागत करछु मुदुर्गाशीष मो सहित अच्छा मो सहयोगी अपूर्व जो बड़ खबर आसी जार आम श्लाघे देचु जे शंखा लगलानी मानस पाई ये मानस होती से भंड गुरुजी बीजेडी नेता मानस एवं लगी कहीं शख लगलानी कहीं शख लगलानी कहीं से बाहापारे जड़े युवती तार आम खुलासा करूँ ये घटना हो बेगुनिया अंचल अपूर्व जो सबु बेदी सजा होता झी रेडी थिले किंतु जे जेहेतु ये हिंदू रीतनीति अनुसार होता आ परंपरा अनुसार होता मानववाद संगठन लोक मैंने आसिले ए बर से मानववाद संगठन बाहागर बंद करदे टे बैटा शुणे देवी आप अपूर्व टे बैटा शुणे दिंतु जे प्रकृत घटना कौन होता टे बैटा शुणे दिंतु झील शंका सिंदूर पिंधिता बोलिक माने हाथ में शंखा थिला एवं हिंदू रीतनीति अनुसार होता मंगुला भी हो सारी झील किंतु फेरीगले ये मानववाद संगठन ये मानस दास राज ये तालिबानी राज झील को विवाह भी करने देलानी एवं बड़ कथा जे यही अंचल सांघातिक अभियोग आसुच्चे महिला मानू बहित महिला मानू सिंदूर पिंधापी मना करा शंखा पिंधापी मना करा ये होची निर्यातनार कहानी ये तालिबानी शासन एवं ये हिंदू विरोधी आभिमुख्य ये मानस दास ये होती बीजेडी नेता भंड गुरुजी अपूर्व ये सांघातिक कथा एवं बेगुनिया रे ए जो राज मानस राज बाप एक नंबरी तो बेटा भी दस नंबरी ये घटना आसूर्व मानववाद एक अमानवीय कार्य को आज एपर दस वर्ष तेज बेगुनिया थाना कुशपला गाँव में घटी घटना जो जड़े झील विवाह पाई प्रस्तुति सारी कन्यावेश बसी किंतु केवल शंखा सिंदूर पिंधिता बोली मानववाद संगठन सदस्य मैंने धमकाइले बरजात्री फेरीगला ये घटना सामना को आसी गोटे पर गोटे असल चेहरा सामना को आसूरी मानस दास किंतु पुलिस एपर्तंत कौन पे आक्सन नेता ही बड़ कथा बड़ कथा हो एपर्तंत तालिबानी शासन क्षमता सामना को आसी मानस दास के भाव निर्यातना देता तहार बारंबार गोटे पर गोटे अभियोग खुलासा हो किंतु पुलिस कौन पे आक्शन मुड को आसुनी ता ही बड़ प्रश्न केवल बीजेडी नेता बोली कौन सात खुन माफ बीजेडी नेता बोली एपर्यंत पुलिस चुप बसी प्रशासन आक्शन मुड को आसी पारुनी ना यह पचरे केउटना केउटी आउ किसी बड़ बड़िया हाथ रही ना यह पचरे कौनसीना कौनसी राजनैतिक नेता हाथ रही जो माने प्रोत्साहन देउछंती पुलिस उपरे चाप पकाउछंती पुलिस तापरे चेपा होउछि ए पर्यंत कार्यनुष्ठान नहीं पारुनाई ता ही बड़ प्रश्न मानववाद संगठन गोटे पर गोटे भली अमानवीय कार्य सामना को आसुची महिला निर्यातनार महानायक भंड गुरुजी ए पर्यंत कौन पाई बंधा होइनी कौन पाई पुलिस ता पाखरे पहुंची पारिनी ता ही बड़ प्रश्न दुर्गाशीष न्याति अपूर्व जो कथा आसुची जे सत्यव्रत नायक मर्डर केस रे ये दफा 302 लागिची ये भंड गुरुजी विरोध रे ये मानस दास ये बीजेडी रा नेता एवं बीजेडी रा आराध्य भी बहु बड़ नेता शरण में जाकि पशुते प्रशांत नंद कहतु सुशांत राउत कथा कहतु प्रसन्न पारसाणी एवं ताली मारुवा ये लोक होती ये पुओ मनोरंजन दास ये भी दस नंबरी ये भी किसी कम नुह या ना भी सांघातिक अभियोग बड़ कथा जे पुलिस कहीं गिरफ करूना 302 दफा लगी बड़ सांघातिक कथा आम सहित फोन लाइन में जोड़ी होती तन्मय दास हिंदू जागरण मंच संगठक संपादक सुक्त दास जो घटना आसुची जे गोटे झील मंगुला झील रेडी होकर अच्छी बाहा हाँपाई किंतु हिंदू रीतनीति होली पुह फेरिकी पलैला ये सब है मानस दास इंस्ट्रक्शन रे देखु जब ये घटना आसला लोकलोचन को प्रत्येक दिन गोटे गोटे कहानी सामना को आसुच प्रत्येक दिन तार असल मुखा खोलुची जे से जो मानस दास कौन माने जो शब्द गुरुजी ये सब व्यवहार करते लोक प्रति शब्द व्यवहार करवा उचित नुह तो से जड़े मानस दास जी ख्रिस्टियान मिशनरी मान पैसा एटी सरल निरीह आदिवासी तथा कथित दलित भाई मान को हिंदू धर्म रु अलग करने षड़ करूला ये
आज संपूर्ण रूपे लोकलोचन को आसी सारी कहीं आम प्रथम कथा हूँ जो हिंदू धर्म हिंदू संस्कृति ये संस्कृति सभ्यता को नष्ट कर धीरे धीरे से क्रिश्चियन करहज हम ये प्रकार प्रयास से क्रिश्चियन मिशनरी आज तार तदंत हवा दरकार से पैसा आणुला कौटू आसूला से पैसा किंतु वर्ष वर्ष धरी राजस्व चलाई संप्रत अंचल बड़ कथा हूँ पुलिस नजर को केंभली आसला ना शह शह लोक निर्यातित होती भयर पार्टी पिटौना किंतु पुलिस जापार ना आज्ञा देखो पुलिस जापार नुह लुची चिन्ह गोड़ दिटा दिशुची न्याय पुलिस सब देखी चुप रही पुलिस आज सरकारी दल रोलीस हिसाब से कम कर सरकारी दल सरकार पुलिस निश्चिंत कार्यानुषान ग्रहण करकारी दल रोलीस आपड़ सीधा सल कहना बीजेडी चापरे पुलिस चेपा होती तेणु मानस दास विरोध में मुझुची से सरकारी दल अर्थात बीजेडी बड़ बड़ नेता जिते गुरुजी जिंदाबाद करुजी पाद छुंचुम प्रसन्न पाठशाणी तो एमती कहते विश्वर माने कौन विरल गुरुजी विश्वर विरल तेनाली जो चांचागिरी करजेडी नेता मानते निश्चिंत भाव क्रिश्चियन मिशनरी मानकर ये प्रयास पूर्वर अनेक थर कही जेमती स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती को मारवाई तीन प्रकार गोष्ठी मिशी क्रिश्चियन मिशनरी मानकर पैसा एवं आमर नक्सल मानकर अस्त्र बल आहुबल बीजेडी प्रथम हाथ ठीक सेमती से चलती क्रिश्चियन मिशनरी मानकर पैसा मानव दास मध्यम संगठन एवं ताकू प्रोत्साहित करुची बीजेडी ये बड़ अभियोग आणुचंती मिशनरी फंडिंग मिशनरी विदेश रु मिशनरी फंडिंग आसुथला एवं जो कथा जे एवं मिशनरी फंडिंग रे ये मानस दास कर चली से साम्राज्य विस्तार करुछंती देखंतु जे को भली भावे मानववाद रो संगठन रो लोक माने कि भली संगीन अभियोग आणुछंती विरोध रे संगीन अभियोग आछि जिय शंका सिंदूर पिंधिथिला बोली बर फेरी गला एथिपाई जे हिंदू रीतिनीति अनुसार विवाह होतुला एवं मानववाद संगठन रो मानस दास तांकर फतुआ जे केही सिंदूर पिंधिबेनी कई हाथगंठी पड़बनी एमती बिवाह हेनी से बर फेरीगल आम सहित विष्णु प्रसाद जोड़ी होती आम बेगुनिया प्रतिनिधि विष्णु ये पूरा घटना कौन ये केबेकार घटना हाँ दुर्गेश दीर्घ दस वर्ष तलर घटना जे कि मानववाद संगठन जो कार्यकर्ता शिवाजी जे कि बहुत करा को कुशुपला गांव को आसते पूर्वर जेहेतु बहुत होगा हिंदू नीति नीति अनुसार कुशुपला गांव बासंती नायक नणंद जे कि सुकांति बेउरी बह बेदी सजा होता चुड़ी भी से पिंधिथिले जमी हिंदू नीति नीति बहुत होगा प्रस्तुत होते कि मानववाद संगठन कार्यकर्ता मान से जीतु चुड़ी पिंधिता कहीं चुड़ी पिंधि कहीं बेदी बंधाई कहीं टेन कराई बोली कही बर बर कन्या दूर फेरी जाइला जहाक नहीं से मत गोटे दिजन भितर अटक रखी बर रखी लोक कन्या घर अटक रखी पुलिस आउ साधारण जनता भेतर आपोस समाधान यार समाधान होता ओके विष्णु बहुत बहुत धन्यवाद अपूर्व जो कथा कहते जे झील सब ये हिंदू रीतिनीति विरोधी आईपाई जो मैंने ये संगठन में सामिल है ना कल रश्नावली जड़े भौणी आम सहित जोड़ी होते मैंने प्लस टू पढ़ुंट से कहले आम यगठन ये सामिल हलुनि जे ये सब एक कहते शखा पिंधुनि सिंदूर पिंधुनि पूजा करनी ग्रामदेवी को पूजा करनी से आम मिसलुनि जो मैंने मिसले अकथनीय अत्याचार हो गाँ छाड़ घटना सामना को आसी आम बारंबार से घटना देखे जो भाव लोक अभियोग करुते ग्रामदेवी बोदा रक्त पका जा हिंदू रीतनीति विरोध पर ग्रामदेवी बोदा रक्त पका जा मानववाद संगठन सदस्य माने गाँ गाँ बोली प्रचार प्रसार करते कि भाव हिंदू रीतनीति को विरोध करने शखा पिंधे सिंदूर पिंधे मुंडे ओढ़ा देवे
ଏବଂ ମାନବବାଦ ସଂଗଠନ ଅମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ଅମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଥିଲା। ଯେଉଁଭଳି ଆମେ କରଡ଼ଗାଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରୁ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ବାପ ପୁଅଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବନ୍ଦ ଘର ଭିତରେ ମାନବବାଦ ସଂଗଠନ ସଦସ୍ୟମାନେ ଉଲ୍ଲଘ୍ନ କରି ପିଟୁଥିଲେ, ଅମାନବୀୟ ତାଲିବାନୀ ଶାସନ ଭଳି ପିଟୁଥିଲେ ଏଠି। ଏବଂ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୋଲିସ କ'ଣ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ରହିଛି? ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦକୁ, ଯିଏକି ବିଜେଡ଼ିର ନେତା ଥିଲେ ଏବଂ ବିଜେଡି ତରଫରୁ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଯେ ଜଣେ ତତ୍କାଳୀନ ବିଧାୟକ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଭଣ୍ଡ ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ପାଦ ଛୁଉଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ସାଂସଦ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ। ଏବଂ ଏହା ହିଁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ବିଜେଡ଼ିର କେଉଁଭଳି ଭାବେ ହାତ ରହିଛି ଭଣ୍ଡ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଉପରେ, ମାନସ ଦାସ ଉପରେ। ତେଣୁ ବୋଧହୁଏ ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇପାରୁନା, ନିଜେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଯେଉଁ ବାପ ପୁଅଙ୍କୁ ଅକଥନ ନିର୍ଯାତନା ହୋଇଥିଲା, ବାପଙ୍କୁ ଡାକି ଥାନାକୁ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ନାୟକ କେସ୍ରେ 302 ଦଫା ଲାଗିଛି ମାନସ ଦାସ, କିନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ମାନସ ଦାସ ଯେ ଅନ୍ନୋନ୍ ପର୍ସନ ବୋଲି। ମାନସ ଦାସ କିଏ, ତାଙ୍କ ଘର କୋଉଠି, ବେଗୁନିଆ କ'ଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସଂଗଠନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସେଇଠି ଗଲେ ରାଜକୀୟ ଠାଣିରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି, ସେଠି ବଡିଗାର୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ଏସ୍କର୍ଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ହୁଳହୁଳି ସଂଖ୍ୟା ପଡ଼ୁ, ସବୁ ପଡ଼ୁଛି, ହୁଳହୁଳି ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ ଜାଣିପାରୁନି ଯେ ମାନସ ଦାସ କିଏ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତନ୍ମୟ ଦାସ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ, ଏ ଯେଉଁ ସନାତନ ବିଶ୍ୱାସ ବିରୋଧୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ଯେମିତି ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ ରକ୍ତ ପକାଇବା, ଝିଅମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କାଲି କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଜବରଦସ୍ତି କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ତମେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିପାରିବନି, ତମେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧିପାରିବନି, ତମେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ପାରିବନି, ବିବାହ ହୋଇପାରିବନି ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ, ଇଏ ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ଆଉ ପୁଲିସ ଚୁପ୍, ଏବଂ ପୁଲିସ 302 ଦଫା ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ବୁଲି ବୁଲି ଯାଇକି ଟିଭି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଦିନ ପରଦିନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମକୁ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ମାନସ ଦାସ କୋର୍ଟରେ ଅଛି। ତ ଆମେ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ଏସ୍ପି ଯେମିତି କିଛି ନ ଜାଣିଲା ବେଳେ ଅଛି, ଆସିଛି ସେ କୋର୍ଟକୁ ଏଇଭଳିଆ କହିଲେ, ଏବଂ ପରେ ଯାଇକିରି ମାନେ ଆମ ପାଖରୁ ଉଠିକିରି ଯାଇକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ କ'ଣ କଥା ହେଲେ, ସେଠୁ ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସ ମାନେ ଯାଇକିରି ସେଠି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ, ସେ ସେଠୁ ଖସିଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ପୁରା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ କାହା ଧର୍ମୀୟ ଭାବନାରେ, କାହା ଧର୍ମୀୟ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଅପରାଧ ଅଟେ, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏସ୍ପି ଯେତେବେଳେ କଥା ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲା ଭଳି ହେଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲାଗୁଛି କି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରେସରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ପି ଚୁପ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆକ୍ସନ ମୁଡ୍କୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ଯେ ଆମେ କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼କୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଖୁଲମ ଖୁଲା ସେଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ବାଇକ ଦଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କୁହାଯାଇ ପାରେ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ବିରୋଧରେ ଖୁଲମ ଖୁଲା କୁଠାରଘାତ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯିଏ କରୁଛି ଏଭଳି ତା ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରି, ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକ୍ରୋଶର ବାତାବରଣ ତିଆରି କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନରେ କନଭର୍ସନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ, ଏବଂ ତାକୁ ମୂଳରୁ ଯୋଉ ଆମର ଯିଏ ସରକାରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ଅଛନ୍ତି ସିଏ ତ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ, ତେଣୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କର ମିଳିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ନାଇଁ, ହିନ୍ଦୁ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ? ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏସ୍ପି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ ମୁଡ଼କୁ ଆସୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଚୁପ୍ ବସିଯିବେ ନା ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆପଣାଇବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ସଂଗଠନ କରୁଛୁ, ହିନ୍ଦୁ ହଉଛି ସବୁବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ହିଁ କହି ଆସିଛି, ବସୁଦେବ କୁଟୁମ୍ବକମର କଥା, ସର୍ବଭୌମ ସୁଖୀନ ସର୍ବସନ୍ତ ନିରାମୟର କଥା ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ହିଁ କହି ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ବାତାବରଣ ତିଆରି କରାହଉଛି, ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆକ୍ରୋଶର ବାତାବରଣ ତିଆରି କରାହଉଛି, ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କେବଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆମେ ଯାଇକିରି ଆସିଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆକୁ ନେଇକିରି ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ହବ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ଆମେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିବୁ, ଏ ବିଷୟ ନେଇକିରି ଆମେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ପତ୍ର ଦବୁ। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତନ୍ମୟ ଦାସ, ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, ଏବଂ ଏହା ପଛରେ ମିଶନାରୀ ଫଣ୍ଡିଂ, ବିଦେଶୀ ମିଶନାରୀ ଫଣ୍ଡିଂ କଥା ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା, ଅପୂର୍ବ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା, କି ଜଗୁଆଳି ମିଡିଆ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତଦନ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ରସ୍ନା ନାୟକ
प्लस टू रिलाटे पाठ पढ़ी पार्लानी घर पड़ी देले बाड़े मारे से घर छाड़ी आसी सात वर्ष है धर्ज धरते वर्ष धर्य धरवे पुलिस कौन कर जगुआली मीडिया आम नुह आम से कथा उठेबू बराबर उठेबू कारण ये मानस दास संगठन से दलित कथ आदिवासी न्याय कथ कहीकि अत्याचार करमानवय कांड कर हत्या कर दौर्य धरव ये जगुआली मीडिया भाषा ये धर्य धरव आ तदंत ता बाटर चली ये तदंत 302 दफा लगी पचरा उचरा कर मानस दास अन्नोन बोली लिखा ये हूँ तदंत या धर्य धरव से जो रमेश नायक कल कांदी कांदी मौसी कहते पुह पढ़ुला प्लस थ्री ताकू भी मर्डर अभियुक्त करदे घर द्वार भांगीदे सबू जलईदे से आसिक जंगल रोचार से आहरी धर्य धरवे तदंत एमती चली जो मैंने धर्य डेफिनेशन खोजुच्च से परीर बापा माँ को पचारंतु से पिहुर परिवार को पचारंतु से पिपिली बेबिनार परिवार पाखे पहुंचतु जे धर्य एत दिन धरी धरी से न्याय मिल पारी कि जो उपाय तदंत चलुच्छे से उपाय से न्याय मिल कि नहीं से संदिहन से सुप्रीमकोर्ट में याचिका दाखल करर्य क्यों धरवे जितेबाला निज पर आक्रमण होर्ष बर्ष धरी पुलिस पाखक धाऊँ कि पुलिस न्याय देवा तो दूर कथा एफआईआर खंडे रखुना धर्य से माने धरिबे से मानकु धर्य पाठ सिखौछन्ते ए माने जो माने जगवाळी मीडिया जो माने तमाम समय माने से माने धर्यर कथा कहउछन्ति जो मानकर स्वार्थ हानि होउछि जो माने मानस दास को सुरक्षा रे बाहरु छन्ति ये मानस दास यांकर हत्या अभियोग असि एवं सत्यव्रत नायक तांकर जे अछन्ति पुत्रा से जो बसन कहउथिले जे से गला बेलकु देखिले जे तांकर दादांकर जुई लागिछि एवं कहले जबरदस्ती कहले मुखागिन दे ये कहले हमकु डेड बॉडी दियो ना नाही गुरुजी कहउछन्ति एमिति जळा हबो माने भावंतु जे सेठी कौ भली राज चलुला माने ये गुंडा ये पुलिस आंको कोर्ट रे भी विचार आ सब बड़ कथा जे पुलिस जानुची सब जानी चुप रोचा कि जगवाली मीडिया कथा कहते जे धर्य धरतु तदंत चली जो कथा अपूर्व कहले जे कुंदुली पीड़िता को जाकि कहतु धर्य धरव बोली मलकानगिरी पुलिस कैंटीन ने गणदुष्कर्म जे शिकार होती पर लोके भी धर्य धरवे ये धर्यर डेफिनेशन जहाँ कहते अपूर्व जे धर्यर डेफिनेशन बोध हुए आपन को सुहेला भाया धर्यर डेफिनेशन एवं एक कथा को अर्गस बारंबार उठेब एवं ग्राउंड रु देखेब जे लोक माने किभली अत्याचारित होती किभली प्रतारित होती ए भंड गुरुजी एवं तार बेट पु तांको पु जी अच्छा मनोरंजन दास ये बाप पु मिसिकी ए भंड दायद सेठी जो भली भावे अत्याचार चलती तार निहाती खुलासा गोटे पर गोटे हो बड़ कथा जे ये केबे बंधा हे जहाँ ना संगीन अभियोग आसूची ना तदंत ना मिलीमिशी चापी देवार ये प्रयास किंतु आम लोकों सहित रहीबू से आदिवासी दलित मान सहित रह बिल्कुल जेपर्यंत मानस दास संगठन पुव विरोध में कार्यानुषान एवं वर्ष वर्ष धरी जो अकथन निर्यातन कहानी सामना को आसूची जेपर्यंत आक्सन मुड को राज्य सरकार और पुलिस आसनी से पर्यंत अर्गस से ही अकुआ कथा को सामना को आणव जो मैंने अकथन निर्यातना अकथन अत्याचार सहित वर्ष वर्ष धरी धर्य आम से ही पर सहित देखा जो पर मैंने एपर्त मुह खोली पार धर्य केवे सहित रहा कथ नुए जो मैंने आक्सन मुड को आसुना जो मैंने एपर्त निर्यातित मान कहानी सामना को आणुना धर्यर डेफिनेसन ठीक भाव जना आमको आम धर्य डेफिनेशन से मान सहित नहीं कि जो मैंने वर्ष वर्ष धरी के सात के दस के पांच के चार वर्ष धरी अकथन निर्यातनार शिकार होती अपूर्व बहुत बहुत धन्यवाद जो भाई भाव आम जो देखा जो किभली भाव ये संख्या लगलानी मानस पाई ये मानस बीजेडी नेता भंड गुरुजी भंड भैयाजी मानस दास उपर जो दफा लगुच जो सांघातिक कथा कहते जो सांघातिक अभियोग अच्छी ग्रामदेवी रक्त पक धार्मिक भावना उपरे ये बड़ अपराध एवं ये अपराधर दंड निहाती दरकार जी भी अपराधी जी भी अभियुक्त एवं ए प्रसंग को आम बराबर आपंक ग्राउंड रु आणबू रियालीटी देखेबू ये आम कथ नुह आम मुहरु कहूनु मनुरु कहूनु जहाँ कौचु से जो मैंने पीड़ित भाषा कौचु कथा कौचु आमपाई पुलिस अभियुक्त नुह पीड़ित होउछि प्रथम प्रायोरिटी बिल्कुल शेष होइछि बिग ब्रेकिंग को एट रखुछु नमस्कार नमस्कार।